अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा पिया जाता है और बहुत टेस्टी और बहुत हम लोगों का फेवरेट भी है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। पैन ले लेंगे, चूल्हे पर रखेंगे, मामा के घर पे आसानी हो जाएगी। ज़रा चलो ऐसे बनाओ। फातिमा हमारे साथ हेल्प करेंगी वीडियो बनाने में। एक हमने पॉट ले लिया है और फ्लेम ऑन कर ली है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि मैं लोग चिकन पहले बॉईल करने भी रख देते हैं, लेकिन हम लोगों को इस तरह समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी स्मेल लगती है चिकन में ना। बिल्कुल हमने थोड़ी सी, ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लिया है, सिर्फ इतना है कि इसमें अदरक लहसुन डाल दें और चिकन डाल दें। बहुत सारा चिकन है इसमें, हम थोड़ा सा लेंगे तो बहुत सारा है। बोनलेस बोटियां मैं ले लूँगी इसमें से। ये लो, बस बोनलेस बोटियां मैं इसमें डाल दूँगी। और अच्छा, थोड़ी सी ना हम लोग हड्डियों वाली भी यूज़ करेंगे, क्योंकि सूप का जो है टेस्ट वो हड्डी वाले जो थोड़ी सी चिकन होती है उसी से ही आता है। चलो अब इसको हम चलाएंगे थोड़ा सा, जैसी थोड़ी सी गोल्डन वाइट हो जाएगी ना, फिर इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ताकि इसकी स्मेल नहीं कहूँगी, मतलब जो भी इसकी खुशबू होती है चिकन की वो ना आए। ये अब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी गोल्डन सी हो गई। अब इसमें हम छोटा वाला जो स्पून होता है वो एक बस ऐसे थोड़ा सा डालेंगे, बस ये थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसकी खुशबू आउट हो जाए। अब ये थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई है, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आपने उतना ही लेना है जितना। ये बॉईल हो गया, इसकी थोड़ी सी फ्लेम स्लो करेंगे। और ये है गाइस किन्नौर का चिकन यखनी पाउडर, इंस्टेंट चिकन यखनी पाउडर जो हम यूज़ करेंगे इसमें। इससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, इसलिए हम लोग डाल लेते हैं। आपकी ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते। अब ये हमने ले लिया है चिकन पाउडर, बॉल ने निकाल लिया मैंने कटोरी में, थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पहले से ही पेस्ट बना लेंगे, ताकि ये इसको ना ऐसे ही डायरेक्ट डालेंगे ना तो उसमें बबल्स बन जाते हैं। बस ये बॉयल आने के बाद हमने वहाँ पे वो यखनी पाउडर का पेस्ट बना के रख लिए, और इसको हम निकाल देंगे सारी बोटियों, सारी बोटियों को हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इसको रेशे रेशे कर लें, जैसे कि सूप में होते हैं चिकन कॉर्न सूप में, इसके सारे श्रेड कर लेंगे। टॉर्च चले, अब इसको इसमें डाल देंगे। ये चिकन श्रेड कर लिए है हमने, अब हम इसको इसमें डालेंगे। ये सारी वापस चिकन हम इसमें डाल देंगे, और इसमें जो हमने स्टॉक तैयार किया था वो तो हमने डाल ही दिया है, चिकन किन्नौर के चिकन पाउडर का, तो उससे बस आपका जो है ना टेस्ट इन्हेंस होता है और कुछ नहीं है। वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं डालना तो कोई मसला नहीं है। और मैं जब भी घर पर आती हूँ मम्मा मुझसे ज़रूर सूप बनवाती हैं सर्दियों में, क्योंकि मम्मा मेरे हाथ का सूप बहुत पसंद है। तो इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, ये 1 टीस्पून हम लोग इसमें डाल देंगे।
1 टीस्पून ही हम सॉल्ट डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डालना है सूप में, जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा सूप। क्या कहते हैं, ये आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने ROX ये रॉक्स का लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले लो। मैं स्टोर पे गई थी तो मुझे यही मिला था। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया कॉर्नफ्लोर में, अब इसको हम चलाएँगे। क्योंकि वरना ये अगर हम इसी तरह डाल देंगे तो उसमें बबल्स बन जाएंगे। इसको सब हम एक मिक्सचर बना लेंगे इसका, और बस अब हमने ये करना है कि इसका पूरा मिक्सचर बनाने के बाद हमने इसको इसमें डालना है हमने, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम करके आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और चम्मच हिलाते जाना है। इसको डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। अगर आप ना आपका गाढ़ा हो सूप तो आप उसमें और भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, बस आपने इतना गाढ़ा करना है ताकि थिक हो जाए। अच्छा, कॉर्न हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को इतना कॉर्न पसंद नहीं है, तो हम लोग कॉर्न नहीं डालते हैं। हम लोग चिकन कॉर्न सूप इसी तरह ही बना लेते हैं बिना कॉर्न के, क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं हम लोग को, काफ़ी हद तक टेस्ट उसका हो जाता है सेट। तो ये है चिकन चाइनीज सूप की रेसिपी, ये देखें फाइनल लुक सूप का। अब इसमें हमने डालना है एक अंडा फेंट के, जिसके इसके लम्स बन जाएंगे अंडे के ज़बरदस्त। ये हमने एक अंडा ले लिया, इसको अच्छी तरह हम फॉक से फेंट लेंगे। ये पकड़ो तो, ये दे दो ना, मुझे भी काट देती हूँ। अच्छी तरह हम इसको फेंट लेंगे। इसमें हम एक अंडा डाल देंगे और फिर फौरन इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसके लम्स बन जाए। ये देखें इसके लम्स बन गए सूप के, और ये सूप फाइनल टच इसमें रेडी है। इसमें बॉईल करके अंडे आपने डालने हैं अलग से, ये अलग से मैंने दो अंडे बॉईल करने रख दिए। गाइस ये सूप हमारा रेडी हो चुका है, ये बॉईल किए हुए अंडे मैंने कटिंग कर लिए थे, इसको इसमें डालिए और खाइए मज़े से। अगर आप चाहें तो आप इस पे सॉसेस भी डाल सकते हैं, जैसे सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर वगैरह। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।